एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आज मैं बात करूंगी टेक्नो के अपकमिंग डिवाइस के ऊपर, टेक्नो स्पार्क 6। तो जैसे कि आपको पता है कि टेक्नो की स्पार्क सीरीज़ काफ़ी हिट जा रही है। इवन अगर मैं बात करूं टेक्नो स्पार्क 5 की, तो उसकी सेल्स भी काफ़ी हिट गई हैं एंड काफ़ी पसंद किया गया है। तो अब टेक्नो प्लान कर रहा है टेक्नो स्पार्क 6 पे, लेकिन अब की बार काफ़ी बड़ा आपको चेंज मिलेगा। लाइक इन्फिनिक्स की तरह, जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको प्रोसेसर दे दिया गया था गेमिंग G70, और उसने हिट कर दिया था पाकिस्तानी मार्केट को और लोगों को काफ़ी पसंद आई थी वो डिवाइस, क्योंकि बजट डिवाइस में आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया बहुत ही रीजनेबल प्राइस के साथ, वो भी लॉन्च किया गया था। तो टेक्नो ने भी अब प्लान किया है टेक्नो स्पार्क 6 को G70 के साथ लॉन्च करने का, तो एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा चेंज है। तो आज के इस वीडियो में मैं टेक्नो स्पार्क 6 की आपके साथ कुछ स्पेक्स शेयर करूंगी, लेकिन कंफर्म स्पेक्स या कंफर्म प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो रूमर्ड है एंड जितना मैंने रिसर्च की है उसके ऊपर वो आपसे आज शेयर करूंगी। तो टेक्नो स्पार्क 6 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है, जो मुझे लगता है वो अराउंड 22,000 तक की होगी। अगर इस प्राइस कैटेगरी में टेक्नो स्पार्क 6 को लॉन्च किया गया विद G70 प्रोसेसर, तो ये फ़ोन धूम मचा देगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको लॉन्च कब किया जाएगा, तो ये सितंबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है। मुझे बड़ा इंतज़ार है इस फ़ोन का, क्योंकि बड़े अरसे बाद हम लोग देखेंगे टेक्नो स्पार्क 6 में एक काफ़ी बड़ा चेंज। इसके अलावा बाकी भी बहुत कुछ है, लाइक विद G70 प्रोसेसर के साथ आपको इस अफोर्डेबल डिवाइस में मिलेगा काफ़ी बड़ा डिस्प्ले, जो कि ऑलरेडी आप टेक्नो पोवियर 4 की जो सीरीज़ आई थी इनकी उसमें देख चुके थे। आई होप सो कि 7 इंच का ही इसका डिस्प्ले हो, एंड इसकी जो रैम एंड रोम होने वाली होगी एक्सपेक्टेड है 4GB ऑफ रैम एंड 64GB इसमें इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगा। काफ़ी सॉलिड डिवाइस है, लाइक इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी दिया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी ये स्पेक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यही हो होपफुली। बाकी जो है वो अगर मैं प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो ये तो कंफर्म है टेक्नो की तरफ से ही किया गया है कि ये टेक्नो स्पार्क 6 जो है ये G70 प्रोसेसर के साथ आएगा। तो ये मैं कह सकती हूँ कि टेक्नो ने अब की बार काफ़ी हैवी इन्वेस्ट किया है। अगर मैं प्रोसेसर सेगमेंट की बात करूँ, तो एंट्री लेवल में आपको गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है तो कमाल है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि एक्सपेक्टेड है कि इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन यूज़ की गई है, लेकिन अब पता नहीं है कि 3 है 4 है 5 है कौन सी है। एंड इसके साथ इसकी बैटरी भी काफ़ी बड़े होने वाली है, 6000 mAh की बैटरी के साथ ये आएगा, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं टेक्नो पोवियर 4 की सीरीज़ में भी। लेकिन एक्सपेक्टेड ये भी है कि विद 18W फास्ट चार्ज आएगा। तो अगर ये प्राइस कन्फर्म हुए इसके जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो क्या ही बात है, टेक्नो स्पार्क 6 हिट हो जाएगा। लाइक अब तक मेरा फेवरेट जो बजट फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स नोट 7, क्योंकि उसमें एक तो चिपसेट बहुत अच्छा दिया गया था, ओवरऑल जो है डिवाइस की लुक्स के साथ साथ काफ़ी सॉलिड वो डिवाइस थी, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, रैम एंड रोम पॉइंट ऑफ व्यू से, बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था उस फ़ोन को, स्पेशली उसकी चिपसेट की वजह से, क्योंकि मेन चीज़ प्रोसेसर होता है। तो टेक्नो स्पार्क 6 जो है अगर इस चिपसेट के साथ आ रहा है एंड ये तमाम स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, लाइक कैमरा, अगर इसमें क्वाड कैमरा सेटअप आपको दिया गया है, और बाकी इसके डिस्प्ले की बात करूं, तो यहां पर मैं पंच होल एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि पंच होल नहीं दिया जाएगा, वही वाटर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा, जो कि काफी अब ओल्ड स्टाइल हो गया है। तो इन तमाम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर टेक्नो थोड़ा सा डिस्प्ले पे भी वर्क करता, लाइक थोड़ा सा उसको स्टाइलिश लुक दे देता, तो क्या ही बात थी। लेकिन खैर, अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आ रहा है तो काफ़ी अमेजिंग ये डिवाइस होने वाली है। और इसके साथ अगर लॉन्च डेट की मैं बात करूँ, तो सितंबर तो बहुत ही करीब है, होपफुली कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में आए। वैसे यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी तमाम कंपनीज़ को कि वो बजट सेगमेंट में बहुत अच्छे फ़ोन ला रहा है। लाइक मिड रेंज की तो मैं बात ही नहीं करी, मैं तो एंट्री लेवल फ़ोन की बात करी, क्योंकि एंट्री लेवल फ़ोन में भी अब हमें जो है वो बजट में गेमिंग प्रोसेसर दिया जा रहा है या कैमरा पर बहुत वर्क किया जा रहा है, ओवरऑल रैम एंड रोम पॉइंट ऑफ व्यू भी डिवाइसेस बहुत अच्छी आ रही हैं। तो अच्छी बात है कि कंपनीज उन लोगों को भी टारगेट कर रही हैं जो कि बजट में रहते हुए एक अच्छा फ़ोन परचेज कर सकें, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, मिड रेंज ऑफकोर्स फ्लैगशिप तो नहीं कर सकते। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है टेक्नो स्पार्क 6 के बारे में। मुझे बहुत इंतज़ार है इस फ़ोन के लॉन्च होने का, ताकि मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स करूँ और ये तमाम स्पेक्स बिल्कुल ठीक हो एकदम। वेल फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।